नमस्कार क्राइम बॉक्स रे एक फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुछि मु संतोष। नुआ नुआ ढंग रे नुआ उपाय रे अपराध घटाउछंती अपराधी केबे के परिस्थिति रे पड़ी अपराध घटाउछि तो आउ के अपराध को निज पेशा भाव रे ग्रहण करुछि। अपराधी अपराध रो पोसापाली भितरे केबे ना केबे अपराधी रो जीत हुए सत, किंतु दिने ना दिने आईन रो जाल रे अपराधी फसिबा सुनिश्चित। लूट हत्या राहजानी सिंधी चोरी गोष्ठी संघर्ष धर्षण भली छोट बड़ अपराधिक खबर को नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम क्राइम बॉक्स। क्राइम बॉक्स रो प्रथम खबर रे आबे आपन को एभले एक खबर देखेबु जो खबर देखिले आपन आश्चर्यचकित हेबे निश्चय। कोटिपति गंजेई माफिया कटक रे एक गंजेई माफिया गुरु बाहरी पाखापाखी नगद 75 लाख टंका सहित अनेक सुना गहना और अलंकार। सबुठ आश्चर्यकर कथा थिला सिगरेट पैकेट भितर छोट छोट पुड़िया गंजेई बिक्री करूला ये माफिया 7 वर्षर ऊर्ध धरी ये गंजेई बेपार करने कोटि कोटि टंका रोजगार करथिला ये माफिया। गंजेई माफिया बुबुर पूरा खबर कौन थिला देखिबाय रिपोर्ट। सिगरेट खोलरे गंजेई बिक्री निशा सम्राट नारायण को नियारा तरीका। सिगरेट चंबरु जबत हला नगद 75 लाख टंका ना नारायणपति ओरफ बुबु घर 42 मौजा पेशा गंजेई व्यवसाय। कटक सहरर गलिकंदीरे निजे छोट छोट पुड़िया करिबा सह सिगरेट खोलरे गंजेई रखी बिक्री करूथला बुबु। दीर्घ 7 वर्षर ऊर्ध दिन धरी व्यवसाय करी ठूल करिछंती लक्षाधिक टंका। पुलिस पंजारे धरा पड़ा पर बुबुर आलमीरा देखी पुलिस होश उड़ी जाइथिला। बुबुर सिक्रेट चांबरु जबत होइछि नगद 75 लाख 20 हजार टंका तासह सुना अलंकार मोबाइल फोन। बुबुर सहयोगी अवकाश स्वाई को मध्य बादामबाड़ी थाना पुलिस गिरफ्त करिछि। 75 लाख 20 हजार रुपया सीजर होइछि ता सहित किछि गोल्ड ऑर्नामेंट्स मध्य से माने सीज करिसेंति। ये लोको नारायणपति अलियास बुबु ता उपरे मधुपटना सदर पुरीघाट बादामबाड़ी सबू थाना रे आगरु केस रजिस्टर होइछि। 2005 मसिया रु बुबु नारे कटक सरर विभिन्न थाना रे 6 रु अधिक बेआईन गंजे कारबार मामला रहिछि। गत शुक्रवार दिन बादामबाड़ी अंचल रे बुबु ओ ता सहयोगी गंजे व्यापार करी टंका आदाय करथवा समय रे कमिश्नरेट पुलिस रो क्राइम स्पेशल स्क्वाड ओ बादामबाड़ी थाना पुलिस मिलित भाबे चढ़ो करथिले। आयकर विभाग ठारु आरंभ करी विभिन्न तदंतकारी संस्था ठारु बर्तिबा पई बैंक रे टंकाटा भी जमा रखिथिले नारायण। 2005 ठारु वर्तमान पर्यंत से घरे खंजिक रखिथिले पाखापाखी 75 लाख टंका जहाकु गणिबा पई पुलिस को लागिथिला 12 घंटा रो समय। बुबुगंजे केउठु आणुथिला एवं कटक सररे कहा कहा को बिक्री करूथिला सेने वर्तमान खोलताल करूछि कमिश्नरेट पुलिस। कटकरु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती को सह इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गंजेई माफिया बुबुर कला साम्राज्यर घुमर खोलिछि कमिश्नरेट पुलिस। गंजेई देबा परे टंका कलेक्शन समय हठात माड़ी बसिथिला कमिश्नरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड। केवल बुबु नुहे बुबुर सहयोगी अवकाश स्वाई को भी गिरफ्त करिछि कमिश्नरेट पुलिस। तेबे बुबु केउठु आणुथिला एते परिमाणर गंजेई केवल कटक सहररे बुबु गंजेई बिक्री करूथिला ना तार चेर राज्यर अन्य स्थानकु भी लंबिछि। एने वर्तमान समय बुबु और तार सहयोगी को पचरा उचरा करुछि कमिश्नरेट पुलिस। दरकार पड़िले आगकु बुबु को रिमांड रे आणिबा परे ये पूरा गुमर खोली पारे बोली कहिछि कमिश्नरेट पुलिस। सावधान पुणि थरे एक्टिव होइछन्ते जामतारा गैंग। साइबर ठक एबे तरीका बदलई बैंक कर्मचारी होई लुटतराज करिबा आरंभ करिछन्ति। एभले किछि खबर क्राइम ब्रांच पक्षरु सामना कसुछि। एभले किछि जामतारा गैंगर सदस्यंकु मध्य गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच। तेबे एभले गैंग किभली ठकेई करन्ति बैंक डिटेल्स केउठु आणन्ति क्राइम ब्रांच देइथिबा सूचना आधार रे ए ठक मानंकर ठकेईर तरीका कोन पूरा देखिबा ए रिपोर्ट। हेलो हां जी हाँ मैं सुनील करे बात कर रहा हूँ राकेश कुमार में। जी 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 मैं SBI से बात कर रहा हूँ मैं बैंक मैनेजर जी।
अभी आपका मोबाइल पे मैसेज मिला होगा सर। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं? मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ। जी जी सीनियर कल राकेश कुमार में। मेरा अकाउंट कैसे बंद हो गया? तो आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ था मैम, तो केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल केवाईसी अपडेट करना चाहूँगी। तो केवाईसी अपडेट करने के लिए एटीएम कार्ड है ना आपके पास? हाँ मेरे पास है एटीएम कार्ड। सावधान मातिछंती जमतारा गैंग, बैंक अधिकारी होई करुछंती कॉल, केवाईसी भरिबा आळरे ठकेई, हेल्पलाइन नंबर जारी कला क्राइम ब्रांच। जी 16 अंक 3463। एक जमतारा गैंग रो पर्दाफाश करिछि क्राइम ब्रांच। राज्य बाहरु ऑपरेट हेउतला ठकेई रो प्लान, मुंबई रो आसुतला बैंक डिटेल्स, भुवनेश्वर रो ठकेई करुतला जमतारा गैंग। केवाईसी भरिबा आळरे किपरि बैंक अधिकारी होई कॉल करुछंती, साइबर ठकंक वीडियो जारी करिछि क्राइम ब्रांच। केमिति ठकेई करुछंती ठक, ठकंक ठकेई कौशल वीडियो एथिरे कैद होइछि। ओटीपी नुहे कोड माध्यमरे मागुछंती बैंक रो समस्त तथ्य। जमतारार तीन जणकु गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच टीम। अल्फाबेटिकल नंबर रे मेसेज आसुछि, जदि केही ठकामीर शिकार हुवंती तेबे हेल्पलाइन नंबर 1555260 रे जेउ गोल्डन आवर रहिछि घंटाए भितरे जोगाजोग कले टंका फेराइबारे सफल हेबो बोली कहिछंती क्राइम ब्रांच डीजी संजीव पंडा। जेतेबेले कौनसी लोक आपनको ब्रांच बैंक रो एम्प्लॉई बा इन्सुरेंस बा कौनसी गवर्नमेंट संस्था रो कहि कि फोन करछंती सेटाकु विश्वास करबा कथा नहे, खास करके जदि ये सब गवर्नमेंट जिते एजेन्सी रही से माने फोन फोन करती ना से माने बेसिकली जो एसएमएस पठाती से गोटे अल्फाबेटिकल कोड रू पठाती एसएमएस केवे फोन नंबर रू पठाती ना तेणु फोन नंबर जदि आप एसएमएस पाँचे से 100% फ्रॉड भाव में ग्रहण करने आवश्यक। तथ्य अनुजाई गिरफ्त तीन जन नाम 7 राज्य ठके मामलें 55 एफआईआर हो गत 6 मास मध्य 55 लक्ष टंका फेराइछु, 26 लक्ष टंका ब्लॉक करा जाइछि। ठक माने ग्राहक मानक विश्वास भाजन हेबाकु चेष्टा करुछन्ते। प्रथमे तळ कर्मचारी होई ग्राहकक सह कथा होउछन्ते, परे मैनेजर को फोन देउछन्ते। बैंक संपर्कित कोनोसी तथ्य देबाकु एडीजी संजीव पंडा मना करिछन्ते। एपटे गिरफ अभियुक्त निकटरु आहुरी तथ्य मिलिब। मुंबई लोकल पुलिस को ए संपर्क में समस्त तथ्य दिया जाइछि बोली क्राइम ब्रांच एडीजी कहिछन्ते। जदि किसी आपणकर असुविधा हुए किसी फ्रॉड रो शिकार हुंती ताले हमरो क्राइम ब्रांच रो जो साइबर हेल्प डेस्क रहिछि तार नंबर होछि 155260 सेटा को जदि आपण सांगे सांगे फोन करिवे ताले जो गोल्डन आवर बोली आम अच्छी घंटा के भितर जदि आप रिपोर्ट करेंगे ताले से आम तरफ व्यवस्था रही सांगे सांगे जो बैंक हो पेमेंट गेट हुए आम कंटाक्ट करी सांगे सांगे से पेमेंट गुड़ाक बंद मध्यम करई पारछु। गैंगरो मास्टरमाइंड को धरिबा पई क्राइम ब्रांच तनाघना चलाइछि। मुख्य अभियुक्त धरा हेले आहुरी तथ्य सामना को आसिबो। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार महांती अभिनय आदित्य नायकों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ठकामी तरीका बदल जामतारा गैंग राज्य बाहर आसुवा बैंक डिटेल्स को नहीं अति सहजरे साधारण लोक ठकुचंती एही सांघातिक साइबर ठक। तेरे क्राइम ब्रांच किसी मात्र ठके टा फेरी पाता बेले घटनार मूल पाखे आज जाए पहुंची पारे तेब ऑपरेट करुवा ये साइबर ठकों पाखे केबे क्राइम ब्रांच पहुँचव एवं पूरा साइबर ठकईर केबे मूल पोछब ताक अपेक्षा। नयागढ़ में बढ़ुची पिलाचोरी, पिलाचोरी राकेट पछरे किए आज जाए तार टेर पाई पुलिस। सबुठ बड़ कथा हूँ परिभली किसी संवेदनशील घटना राज्यव्यापी चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि आउ आश्चर्यजनक कथा हो पिलाचोरी पछरे कहीं ना कहीं क्षमताशाली व्यक्ति संपृक्ति अच्छी साधारण चर्चा होबे पिलाचोरी पछरे किए राकेट किए चला सबुठ बड़ कथा हूँ अभियुक्त को किए दे सुरक्षा देखु आम स्पेशल रिपोर्ट। नयागढ़ पिलाचोर को किए दे सुरक्षा किए चल
चोरी रैकेट। तदंत परिसर को आसिबे कि अरुण का खास पूर्णचंद्र नायक। 15 दिन पर भी काईकि रूट को जाउनी पुलिस, कहा को घंटो घोड़ाउछि नयागढ़ पुलिस। पिला चोरी अभियोग रे गिरफ आशा कर्मी को ए ऑडियो को नै संदेह बढ़िबारे लागिछि। विरोधी को अभियोग ए पूर्ण हेउछंती मंत्री अरुण साहू को एकदम खास पूर्णचंद्र नायक। बीजेडी रो बाहुबली नेता को पृष्ठपोषकता रे नयागढ़ रे चलीछि पिला चोरी रैकेट। जनवरी 28 रे नयागढ़ हॉस्पिटल रु नवजात शिशु गायब हो जाइथिला। 5 दिन पर पिला उद्धार हेला भुवनेश्वर रे। हेले एबे भी अनेक असमाहित प्रश्न, भुवनेश्वर कहाँ पाख को अणा जाइथिला पिला को, केऊ गाड़ी रे आसीथिला पिला, किए आनीथिला, कुआडे गला सीसीटीवी फुटेज, नयागढ़ रे किए कंट्रोल करूछि पिला चोरी रैकेट। जनक गाड़ी रे गला से आशा दीदी कहते कि भुवनेश्वर जाइए पूर्णबाबू को गाड़ी एपर्तन पूर्णबाबू को तदंत परिसरभुक्त करना तम सब जिनस जहाँ जी जना पड़े आज जो ऑडियोटा आपण मानक मध्यम आसिक आम पाखे पहुँचला स्पष्ट जना पड़े एथेरे निहाती पूर्णचंद्र नायक अच्छा आपको निश्चय फेर गोटे बड़ हाथ रही जो शांति प्रगतिर कथा कहते अरुण बाबू कौन पे आज पर्यटन नीरव रही बाबुली कथा उठिला आज पूर्ण कथा उठुची तांकु सुरक्षा के दौची एथिरु स्पष्ट प्रमाण मिलुची जे दलीय भितरे ए भली भाबरे प्रिय प्रीति चालीची। घटना को 15 दिन बितलानी हेले रूट रे पहुंची पारुनी नयागढ़ पुलिस। बड़ प्रश्न आशा दीदी को ऑडियो वायरल परे ताकु तदंत को नेबे कि नयागढ़ पुलिस। पूर्णचंद्र को पचरा उचरा करिबो कि पुलिस ना पूर्ण सुरक्षा अभियान रे पुलिस। परीना केस रे पुलिस जे सुरक्षा देथिला बाबुली को से सुरक्षा बे पूर्ण को बाबुली भी अरुण का खास पूर्ण भी अरुण का खास सेतिपाई प्रथम रु ही निखोज पिलार परिवार को मानसिक निर्यातना देथिला पुलिस जेमिति निर्यातना देथिला परी परिवार को से पुनी कहिसन जे मो स्त्री की ये हला 1.5 वर्ष रे इटा गोटे तू आ गोटे जन्म करछु यदि पुलिस जाने तो अरेस्ट होबो केस होबो तो नार कहि ताको भय देखिसन ते दिन जे सु निद भी नथला सोई नथिलु मु टिके तळे गड़ी पड़ली जे मते पार्टी करके धमकी देले ए तमे कोन पे सोई जठी एडे सुअनी चुपचाप बस ए बेंच उपर पुन थरे बसे दे देले एते धमका धमी कर लेजे से तळे कोन लागु थिबो बंचिबा को आगे हेसे न इच्छा हो नथे एमिता जीवन को छी लागु थे पिता लागु थे सब किछि ता पर भी बारंबार आम घर ता बासिया मो भाई कि नै गले। एनसीआरबी रिपोर्ट कहुछि राज्य रु 6912 पिला निखोज अछंती एतरु नाबालिका 5815 नाबालक संख्या 1097 उद्धार होती 3641। ब्यूरो इनपुट्स नयागढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नयागढ़ पिला चोरी रैकेट पछरे किए काम करुछि क्षमताशाली व्यक्ति एभली किछि काम करुछन्ति बोली चर्चा होछि। परी घटारे मंत्री अरुण साहू को ना जोड़ जाता बेले पुणि थे पिला चोरी घटारे मंत्री किसी खास लोक जोड़ी होती तेज क्षमता केन्द्र को अतिक्रम कर पुलिस मुख्य अभियुक्त पाखे पहुंचा सहित तो आग को पूरा पिला चोरी राकेटर पर्दाफाश कर पार्छ कि ना अपेक्षा। टा रोजगार पर मनीष हराउची मानविकता हाथी को मारी हाथी दात काटि टा रोजगार कर सारे हाथी को पोड़ा सहित मटी पोती किसी अमानसिक लोक जो थे वन विभाग सन्देह घर भितर को आसी दीर्घ दिन पर हाथीर मृत्युर ठिकना बाटे बाटे एसटीए पहुंची नरसिंहपुर रेंजर बोलिकियारी जंगल भितर एभली खबर आसी खबर देखिले आपण भी आश्चर्य हे हाथी को शिकार कर सारे हाथीर दात काटि बिक्री कर सारे हाथी को अति निर्मम भाव पोड़ पोती किसी दुर्बृत्त दांत पाई हाथी हत्या पोस्टमार्टम परे आसिला चांचल्यकर तथ्य हत्या परे पोड़ी पोता जाइथिबा संदेह हाथी मुंडरे लागिछि शक्त आघात नरसिंहपुर माटी तळु कंकाल मिलिबा घटना रे गोटिए परे गोटिए तथ्य सामना को आसिछि
हाथीकु हत्या करिबा परे प्रथमे पोडा जाइछि ओ परे ताकु जेसीबी जरियारे जंगल भितरे माटी खोली पोता जाइथिबा जणा पडिछि। हाथीर बयस 8-9 वर्ष बोली अनुमान करा जाउथुवा बेले हत्या परे दुईटी दांत काटि निया जाइछि। मिलिथिबा कंकाळर पोस्टमार्टम पई नरसिंहपुर जाइथिला ओयूएटी टीम। हाथी मृत्युर कारण जानिबा पई कंकाळर डीएनए ओ केमिकल टेस्ट करा जिवो। ए सब काम केबे शिकारी माने करंती नाही सिद्धांत नहीं पलांती गलित मृतदेह पड़ता उपरे पोता है मैंने यहीटा को निसंदेह 200 शतकड़ा वन विभाग कर्मचारी स्थानीय कर्मचारी ही ताको ये काम करछंती। तेणु ये क्षेत्र में से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ना दरकार जमी आग को ये काम हम ना खाली सस्पेंड कले हेनी जो जो मैंने मानते अच्छा संपुक्त अच्छा से गिरफ्त कर जेल पठवा दरकार चाकरी बरखास्त करवा दरकार। हाथी पोता जा स्थानु मल आनी परीक्षा करा जाइछि जेउतरु अल्प किछि दिन पूर्वरु हाथी को हत्या करा जाइथिबा जणा पडिछि। तेबे पूरा घटना रे वन विभागर कार्यकारिता संदेह अधिक बढ़ाउछि। जंगल ले हाथी को हत्या करिबा दांत काटिबा पोडिबा ओ जेसीबी साहाज्यरे माटी खोली पोतिबा भळी कार्य होइथिले मध्य किपरि वन विभाग जानि पल्ला नै ताकु नै प्रश्न उठिछि। शिकारी सह किछि वन विभाग कर्मचारी हाथ थिबा अनुमान करा जाउथुवा बेले तदंत परे सबु सत पदाकु आसीबो बोली कहिछि एसटीएफ। ट्रांसपरेंटली एनक्वायरी करा जाउछि बहुत लोक को वाचर कौन बहुत लोग आम पचरा उचरा करूँ तापर जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट भी फाइनल रिपोर्ट आसू आम तदंत चली तदंत चली जी पर्पसफुली सहयोग करना कि आउ कौन से गोटे करेंगे से तदंत चली तदंत पर जना पड़े पोड़ी हो कि कौन कौ केमिकाल द्वारा होटा को बर्तमान मलिकुलर आइडेंटिफिकेशन केमिकाल आइडेंटिफिकेशन हो सांगे जदिबा कि जेहेतु बर्तमान फुल एनिमल कारकास प्रेजेंट है तेणु डिजीज डायग्नोसिस करिबा को डिजीज जो मरीजी किंबा कौन सी मालेशियस कारण जो मरीजी सेटा जानिबे प्रथम आमे मध्य तार बोन बोन मैरोरु मध्य कौन सी पाथोजेन्स पा इन्फेक्शियस डिजीज अछि जदि किछि जणा पड़िबो सेटा मध्य परीक्षा करा जिवो। काठगडारे वन विभाग हाथी दांत राकेट रे हात मिलाइछन्ति कि वन कर्मचारी मृत्यु कारण सह संपूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीबा परे पूरा तथ्य पदाकु आसीबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हेमंत रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। माटी तलु बाहर हाथी कंकाल एसटीएफ स्कानर रही वन विभाग अधिकारी समेत किसी बड़ शिकारी ये हाथी मृत्यु घटना प्रथम ना पूर्वर भी अनेक हाथी को मारी दि जाए दात काटी बिक्री जंगल भितर हाथी मृत्यु शेष घटना ना या पूर्वर भी अनेक जीवजंतु को हत्या कर सहित सेमानक अंग प्रत्यंग को बिक्री करा रोजगार करा टंका जो थी संप्रति अच्छा वन विभाग अधिकारी। हाथी कौनसी छोट जंतु नुह एत विशालकाय जंतु को किए मार के मारा एवं हाथी दात काटि सारे किए पोड़ पोती आसब घटना वन विभाग केमी जापारा ना ताकू सृष्टि बड़ संदेह। राजधानी में बढ़ुच्च लुटेरा आतंक राति अधत दूर कथा दिन दीपर आखि पिछुला के लुटपाट कर फेरार हो जाती लुटेरा केबे बाइक तो आउ केबे बुलेट चोरी करी लुटेरा मचाउछंती आतंक केवल से नुह रास्त जावा आसवा लोक भी लुटपाट कर राजधानी में आतंक खेलाई लुटेरा गैंग नुआ वर्ष आरंभरु एभली मात्रा रे लुटपाट होता बेले कमिश्नरेट पुलिस किंतु लुटेरांकर टेर पाउनी आउ लुटेरांक हरकत सीसीटीवी रे देखबा परे राजधानी बासिंदा एबे भयरे तेबे लुटेरांक हरकत उपरे किछि नजर पकांतु आउ अनुमान करंतु लुटेरा केमिति मचाई आतंक आउ पुलिस केमिति साजिछि जड़का। फेल मारुची कमिश्नरेट पुलिस रो क्राइम कंट्रोल ब्लूप्रिंट दिगहरा वी केयर वी डेयर नारा रविवार अपराह्न समय इन्फोसिटी अंचल रे जणे युवतींक ठारु मोबाइल ओ पर्स लुटी छू मारुथिबा बेले दुई जण लुटेरांकु काबू करि पुलिस रो जिमा देखथिले स्थानीय लोके। सोमवार दिन 12टा सीआरपी ओवरब्रिज रे स्वामीक सह बाइक रे जाउथिबा बेले पछपटु पल्सर बाइक आसी महिलांक बेकरु सुना चेन झांपि नेले लुटेरा एनेई नयापल्ली थाना रे अभियोग करिछंती रसुलगढ़ अंचल रो रेणु बाला बराळ। आमे जाउथिलु ओवरब्रिज उपरे जाउथिलु तो पछपटु आसीकी तीन जण थिले बाइक रे लगेदिले गाड़ी की बाकु लगेदेगी जिंकि नै गेले चेन
ପଛପଟରୁ ବି ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ବାଇକ୍ ବହୁତ ଆସୁଥିଲା, ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତ ଟ୍ରକ୍ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଅଡ୍ଡା ଜମାଇଲେଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୁଟେରା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣନିଧି ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ 54,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ 55,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ସେ ମୋର କାର୍ଡ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ବି ସେମିତି, ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କାର୍ଡ ତ ମୋତେ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସେଠୁ ଖାତାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲି, ଖାତା ବି ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଭାଇ ତୁମର ମେସିନ୍ ଖରାପ ଅଛି, ତୁମର ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଉନି। ମୁଁ ଯାଇକି ଘରକୁ ଟିକେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବସିଛି, ମେସେଜ୍ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଲା 54,645 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ୍ ଜିରୋ ତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ, ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାହାନାରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଏଟିଏମ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଟା ଚୋରି କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଦ୍ଧାର କରିନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଟା କପି ଓପିଡ଼ି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ, ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଏଟିଏମ୍ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୋରି ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜଧାନୀ, ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଉତ୍ପାତ। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ ପୋଲିସ, କେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବ ପୋଲିସ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଥିବା ଲୁଟ୍ ପଛରେ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁନି ତ? ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇନି ତ କିଛି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ? ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଲୁଟ୍ପାଟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଏବେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କେବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସର ଆଜି ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।